संत भाग्य जगाने आए हैं जी, सबको रास्ता बताने आए हैं। संत वो होता है जो उस परमपिता परमात्मा की इबादत करता है, उस परमपिता परमात्मा के कण कण में, जर्रे जर्रे में नजारे लूटता है, और जिसके द्वारा उसे वो तमाम नजारे नसीब होते हैं, वो हर किसी को वही बात बताता है, वही मेथड बताता है, वही युक्ति बताता है, जिसको हमारे धर्मों में अलग अलग नाम दिया है। हिंदू धर्म में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो शब्द, वो मूल मंत्र जिससे ओंकार सुप्रीम पावर, हिंदू धर्मानुसार जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, सब महादेवों को बनाया, खंडों ब्रह्मांडों को बनाया, जिसकी धुन अनहदनाद कण कण में गूंज रही है, वो जिसकी सार लेने ब्रह्मा जी निकले, युग बीत गए, कोई और शौर किनारा ना मिला, वो ओंकार, उसका शब्द, उसका मूल मंत्र इस्लाम धर्म में अल्लाह का नूरे जलाल, वो नूरे जलाल जिससे सारी खलकत उसने नवाजी, वो नूरे जलाल जिसने फरिश्ताओं को बनाया, वो नूरे जलाल जिसने आदम हव्वा को भेज के आदमी बनाया। सिख धर्म में अव्वल अल्लाह नूर उपाया, वो वाहिगुरु वो अल्लाह जिसने अपने आप को एक नूर के रूप में पैदा किया, एक ओंकार वो वाहिगुरु वो सुप्रीम पावर जिसका खुद का कोई आकार नहीं, पर उसके बिना किसी का कोई आकार नहीं। अगर वो है तो सब कुछ है, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पर सब कुछ खत्म हो लेकिन वो हमेशा रहता है। इस्लाम धर्म में सुप्रीम पावर, गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो आवाज, वो रोशनी जिसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती, उसके रूप में वो मालिक पैदा हुआ। तो उस सुप्रीम पावर को, उस वाहिगुरु को, अल्लाह गॉड खुद अरब मालिक प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड ओम हरि अरबों खरबों जिसके नाम, उसको देखने के लिए संत गुरु पीर फकीर अभ्यास करते हैं। जब उन्हें अनुभव होता है, वो हर जीव को कहते हैं कि भाई हम भी आदमी हैं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान, तो हमने उस ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का ये बड़ा नाम जपा, तो उसके दर्श दीदार हुए, उसका रहमो करम बरसा, वही शब्द तू भी ले ले, तू भी अभ्यास करेगा, तू भी उस मालिक को पा सकता है, और बदले में कोई टैक्स नहीं, विदाउट एनी कॉइन, कोई कुछ भी नहीं, एक नया पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। जिस धर्म में रहता है रह, जो पहनावा पहनता है पहन, लेकिन दिखावा ना कर, पाखंड ना कर, ढोंग ना कर। धर्मानुसार आज पूरी दुनिया में लोग चलने लग जाएं, हमसे लिख के गारंटी लें, सिर सिर की शर्त लगाने को तैयार, कि दुनिया के पूरे लोग अगर आज इस मिनट धर्म को मानने लग जाएं, अगले ही मिनट पूरी धरती पे राम राज्य होगा, परम शांति होगी, आनंद में जीवन हर कोई गुजारेगा। धर्मों में लड़ाई झगड़ा, चुगली निंदा, ईर्ष्या नफरत,
ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। नशा, भ्रूण हत्याएं, जितने भी पाप गुनाह हो रहे हैं, कमजोर को दबाना, किसी का हक मार के खाना, हेंगड़ी जमाना, कहीं भी कोई जगह नहीं है धर्मों में। इन सब के लिए कोई भी धर्म वाला हमें यह बताए कहां लिखा है नशे करो, कहां लिखा है निंदा चुगली करो, कहां लिखा है एक दूसरे को बुरा कहो। सब धर्मों में एक ही बात सिखाई है, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो। अल्लाह का रहमो गरम चाहते हो, उसकी बनाई औलाद से बेगर्ज मोहब्बत करो। क्या पता अल्लाह किस दुखिया में बैठा तेरा दुख बढ़ाने का तरीका उसको रास आ जाए और तू रहमो करम से अंदर बाहर से माला माल हो जाए। हिंदू धर्म में लिखा है प्रभु को पाना चाहते हो तो सबसे पहले जरूरी है कि आप प्रभु की संतान की संभाल करो, उनसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ईश्वर की भक्ति करो, तो आप निसंदेह बहुत जल्दी प्रभु को पा जाएंगे। सिख धर्म में एक पंक्ति है गुरु साहिबानों के पवित्र वाक, जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो। यहां ही शब्द जो है बहुत बड़ा मायने रखता है। जिन प्रेम की हो, जो आपस में प्रेम करेंगे बेगरस वाहिगुरु से प्यार करेंगे, तिन ही प्रभ पायो, वो ही मालिक को पा सकते हैं, दूसरे नहीं पा सकते। यहां ही शब्द का मतलब बहुत बड़ा है कि जो आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करेंगे वही मालिक को पा सकते हैं। और यही बात इंग्लिश रूहानी सेंट किसी विचारक ने लिखा है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्यार ही प्रभु है और प्रभु ही प्यार है। गंदगी भरा काम वासना युक्त प्यार नहीं, निस्वार्थ बेगरज मोहब्बत कीजिए, बड़े मां बाप के समान, बराबर के बहन भाई के समान और छोटे को बेटे बेटी के समान। कड़ा परिश्रम कीजिए, हार्ड वर्क, हक हलाल दसन वादी किर्त मेहनत कीजिए, यकीनन मालिक मदद करेंगे। हिंदू धर्म में लिखा वेदों शास्त्रों में, हमने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा मालिक की कृपा से, सदगुरु के रहमो करम से, क्योंकि विज्ञान को मानने वाले रहे, विज्ञान के स्टूडेंट थे, तो एक खुले दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। सभी धर्म यही सिखाते हैं हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। सबसे प्यार करो, बेगरज मोहब्बत करो। हम मालिक को कुछ नहीं दे सकते, मालिक से मांगो और मेहनत करो। हिंदू धर्म में लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, इस्लाम धर्म हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। मेहनत कीजिए, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम कदम कदम पे आपकी मदद करेगा, 100% करेगा। चाहे आपसे खोटे कर्म हो गए, बुरे कर्म हो गए, लांत भेजिए अपने मन पे और दृढ़ यकीन विश्वास रखिए अल्लाह वाहिगुरु राम पे। अगर आप दृढ़ यकीन रखेंगे तो वो मझधार में भी कब कश्ती को किनारे लगा दे आपको रत्ती भर भी एहसास नहीं होने देगा। वो सुप्रीम पावर है, जबरदस्त है। कभी भी चिंताग्रस्त ना हो, कभी भी दिलगीर ना बनो, नेगेटिव ना सोचो, हमेशा भावना को बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो। जब आप नेकी के राह पे चलते हैं, भलाई के राह पे चलते हैं, अड़चने पैदा करने वाले आज से नहीं आदकाल से पैदा हुए हैं, तभी तो गुरु साहिबानों ने फरमाया, धर्म ते चलदे आवे हान, कदे न छड़िए धर्म दी बाण। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी पवित्र बाक कि अगर आप नेकी भलाई के रास्ते पे चलते हैं और कोई अड़चन पैदा हो जाती है तो आप उसकी परवाह ना कीजिए, गुमराह ना होइए, घबराइए मत। नेकी भलाई का रास्ता पकड़े रखो, वो मालिक मददगार है। हिंदू धर्म में भी यही लिखा है, जो तेरे लिए कांटे बोए तोई बोई तू फूल,
जो तेरे लिए कांटे बोए तो ही बोई तू फूल, वही फूल के फूल हैं, बांको है त्रिशूल। तेरे लिए अगर रास्ते में कोई कांटे बोता है, कांटे बिछाता है, हे भले पुरुष, हे मालिक के प्यारे, तू फूल बिछाने छोड़ना मत, क्योंकि अगर तू फूल बिछाता जा रहा है, आने वाले टाइम में तेरे फूल तेरे लिए मखमल का काम करेंगे, और जिन्होंने कांटे बो रहे हैं उनके लिए त्रिशूल वो कांटे अवश्य बन जाएंगे। तो ये कर्म की धरती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पर अगर आपको सोझी आ गई, आप गुनाह कर लिया, पाप कर्म कर बैठे, घबराइए मत, मालिक से तौबा कीजिए, वैराग्य से, सच्ची तड़प से मालिक के आगे झोली फैला के रोइए। अरे रोने से अगर मां दूध दे सकती है तो जिसने मां को बनाया है वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम क्या आपके रोने को सुनेगा नहीं? 100% सुनेगा, 100% सुनेगा। पर सच्चे दिल से तड़फिए, व्याकुलता से, वैराग्य से नेकी भलाई के राह पे चलिए, यकीन मानिए मालिक ना अंदर कमी छोड़ेंगे ना बाहर कमी छोड़ेंगे। शुक्रने वाला तो मेरा मौला वाहिगुरु राम सतगुरु दाता है, हम तो खाकसार हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, कोई मान बड़ाई नहीं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, हमें कोई मान बड़ाई नहीं। कर्ण करावण हार मेरा मौला, मेरा रहबर, मेरा सतगुरु दाता, सुदृढ़ यकीन आप रखिए, वो सबकी झोलियां भरता है और 100% भरता रहेगा।